नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर का। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का किया उद्घाटन। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कुशीनगर एयरपोर्ट बनने से किसानों, दुकानदारों और उद्यमियों को मिलेगा लाभ। त्योहारी सीजन के बाद बंगाल भाजपा में बड़ा फेरबदल संभव। फेरबदल में युवा चेहरों और आरएसएस समर्थक नेताओं को प्राथमिकता। अमित शाह की रैली के प्रचार प्रसार के लिए 6 रथ रवाना। 24 अक्टूबर को भगवती नगर में होगी रैली। ज्वालामुखी मंदिर में पंजाब के श्रद्धालुओं से मारपीट का वीडियो वायरल। एसपी ने दिया जांच का आदेश। कैप्टन अमरिंदर सिंह लॉन्च करेंगे नई पार्टी, ट्वीट कर दी उन्होंने जानकारी। यूपी विधानसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष ने सपा पर साधा निशाना, कहा परिवारवाद के तहत अपना ही किया विकास। मुजफ्फरनगर में गंगा का जल स्तर खतरे के निशान के करीब, बाढ़ का खतरा, कई गांव में बह गई फसल। यूपी के 4 शहीदों और शौर्य पराक्रम का होगा सम्मान। पुलिस स्मृति दिवस पर आश्रितों को सीएम करेंगे सम्मानित। जया बच्चन, शबाना आजमी, आलिया भट्ट और करण जौहर पहुंचे बुलंदशहर के ऊंचा गांव फोर्ट। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की शूटिंग शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवहन विभाग को दिया निर्देश, जल्द खाली करें दिवंगत कर्नल की पत्नी का घर। इजराइल यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, युद्धाभ्यास कर रहे भारतीय वायुसेना दल से की मुलाकात। तालिबान राज में सूचनाओं की कमी से अफगान पत्रकार चिंतित, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से की अपील। पाकिस्तान में 7 मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य रुका, कर रहा है हीला हवाली। उत्तर कोरिया ने फिर से दागी बैलिस्टिक मिसाइल, जापानी कोस्ट गार्ड में अलर्ट जारी। अमेरिका में भारतीय मूल के एक वैज्ञानिक के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने पेट्रोलियम आधारित जेट ईंधन के एक नए विकल्प की खोज, सरसों से ऐसे पौधे के बीज से निकाला तेल। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्लेटर घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को मिली पहली जीत, ओमान को हराया, सुपर 12 की उम्मीद कायम। शाकिब अल हसन ने लासित मलिंगा को पीछे छोड़ा, T20 इंटरनेशनल का बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। न्यूजीलैंड के अंपायर फ्रेड गुड़ाल का निधन, कैरबाई गेंदबाजी ने मारी थी टक्कर। केएल राहुल ने कहा धोनी से बेहतर मेंटोर और कोई नहीं हो सकता, कप्तानी भी सीखूंगा। फरदीन खान और रितेश देशमुख ने विस्फोट की शूटिंग की शुरू। इस फिल्म से फरदीन 11 साल बाद बॉलीवुड में करने जा रहे हैं वापसी। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी को मिला यूएस सर्टिफिकेट, 0 कट के साथ रिलीज होगी फिल्म। बाहुबली के फैंस के लिए गुड न्यूज, प्रभास के बर्थडे पर मेकर्स करने वाले हैं बड़ा धमाका। विपाशा बसु ने पति के साथ एंजॉय की मालदीव वेकेशन, सोशल मीडिया पर शेयर की रोमांटिक तस्वीरें।
अनुपमा की संस्कारी बहू रूपाली गांगुली की बोल्ड तस्वीर ने इंटरनेट पर मचाया धमाल। शोल्डर ऑफ टॉप एक्ट्रेस के फैंस हुए तंग। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।